हेलो, नमस्कार। मैं मुन्नी कुमारी आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आज बताने जा रही हूँ कि नींबू को सीड्स से कैसे लगाते हैं। यह नींबू है, यह नींबू हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे हमको डेली यूज करना चाहिए, किसी न किसी रूप में, चाय में, सलाद में, या नींबू पानी किसी तरह से यूज इसे करते रहना चाहिए। इससे रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है और ये हम लोग को गर्मी के दिन में बहुत स्फूर्ति देता है। अगर इसे आधा नींबू काट के पानी में डाल करके और इसे स्नान करते हैं तो ताजगी बनी रहती है। नींबू के पत्तियों की खुशबू जो आती है, या नींबू की खुशबू आती है, उससे हम ताजगी महसूस करते हैं। तो चलिए आज हम लगाने चलते हैं। ये एक नींबू है जिसे मैं आधा काट ली हूँ और उनके बीज को मैं निकालती हूँ। बीज को मैं कहीं भी लगा दीजिए, एक छोटा पॉट लेकर के अलग से लगा दीजिए, या उसमें लगा दीजिए, क्योंकि इसे हम फिर दोबारा निकाल के दूसरे गमले में छोटे आ सकते हैं। इन्हें आप गमले में लगा सकते हैं, पर गमले काफी बड़े होने चाहिए, छोटे गमले में नहीं होंगे। लेकिन ये भी बात है कि जितने ये जमीन में अच्छे होते हैं उतने अच्छे गमले में नहीं होते हैं। पर लेकिन जिनके पास जगह की कमी है और नींबू लगाना चाहते हैं, उनसे उनके हाथों के निकले हुए गमले में भी लगा सकते हैं, पर वही है, फल कम आएंगे और थोड़ा थोड़ा सा आकार उनका छोटा हो सकता है। तो इसलिए आप, लेकिन अगर गमले लगाते हैं तो बड़े गमले लगाएंगे, जैसे कि टब वगैरह का जो ऊंचाई और चौड़ाई होता है उतने बड़े होने चाहिए। तो अच्छे छोटे गमले में फिर नहीं होगा। तो सीड्स को आप इस तरह से लगाइए, आप छत पे इसको लगाइए, कम से कम 3 फीट के, 2.5-3 फीट का जो गमले होते हैं, जैसे कि सीमेंटेड है या आपके पास पुराना कुछ बड़ा सा टब टाइप का कुछ है, तो उसमें आप इसको इस तरह से, ये जो पौधा ये निकल चुका है यहाँ पे बीच से, इसको मैं निकाल के और फिर दूसरे जगह लगाऊंगी।
तो चलिए सीड से आप भी नींबू के पौधे को लगाइए और जब फल आए तो देख करके आप खुश हो जाइए क्या। तो हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको ये ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।